Everyone, so class. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास सेवेंथ का आज हम चैप्टर थ्री है फाइबर टू फैब्रिक वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक में हम बात करने वाले फाइबर्स की और उनसे कैसे फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, वो पूरा प्रोसेस की हम आज बात करने वाले हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जिनसे हमको फाइबर मिलता है और कौन से नेचुरल सोर्स है, कौन से आर्टिफिशियल सोर्स है फाइबर के, ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन क्लास सिक्स वी हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास सिक्स था उसके अंदर भी चैप्टर थर्ड आया था फाइबर टू फैब्रिक, उसके अंदर हमने देखा था प्लांट्स से जो हमको फाइबर मिलते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था डिटेल में। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था उसमें कि वूल और सिल्क जैसे फाइबर हैं वो एनिमल्स से हमको मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस हेयर ऑफ शीप और याक। अब वूल है वो कहाँ से हमको मिलती है, कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, जो फ्लीसेस होते हैं, फ्लीसेस मतलब हेयर जो होते हैं शीप या याक के, उनसे हमको मिलती है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क मॉथ जो होता है उसका कोकून जो होता है उससे हमको मिलती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। क्या आपको पता है कि शीप के कौन से पार्ट से जो हमको वूल मिलती है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इन टू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स। अब स्वेटर्स बुनने के लिए हम मार्केट से ऊन के गट्टे वगैरह लेते हैं, तो ये जो फ्लीसेस थे, बाल थे ये भेड़ के या फिर शीप के, उनसे ये जो वुलन वाला जो फाइबर है, ये वुलन वाला जो यार्न है, वो कैसे बना, कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आपको पता है। सो ऑब्वियसली हमको पता नहीं होगा या थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम ये डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे जो वूल है उसका, वो उसके शीप से बालों से कैसे कन्वर्ट होता है उस मोटे से गट्टे में। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इंटू सिल्क विच इज़ वूवन इंटू सारीज। उसके अलावा जो सिल्क है वो कोकून से हमको मिलता है, ये हमने पढ़ा है अभी अभी। कोकून से मिलने वाला सिल्क कैसे साड़ियों के अंदर वूलन वूव किया जाता है, कैसे बुना जाता है, वूवन कैसे किया जाता है, सारीज के अंदर कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये भी प्रोसेस हमको देखनी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। अब इस दो क्वेश्चन हैं कि जो हेयर है शीप के उनसे कैसे वूल मिलेगा, वूल यार्न मिलेगा, और जो सिल्क मॉथ है कोकून से हमको कैसे सिल्क का जो है फाइबर मिलेगा, वो हम सारा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो नाउ वी हैव फर्स्ट टॉपिक एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। सो प्लांट फाइबर आया था लास्ट ईयर कॉटन एंड जूट, और इस बार है हमारे पास एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। तो वूल एंड सिल्क में सबसे पहले जो है हम किस क्या पढ़ेंगे, वूल देखेंगे। वूल मतलब ऊन, ठीक है, अनार सीखते हो तो उसमें आता है ना आ ई ई ऊ, ऊ से ऊन। सो वूल हम देखेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शीप याक एंड सम अदर एनिमल्स। अब वूल है वो कहाँ से आती है, शीप से आती है, भेड़ से आती है, याक होता है, उसके अलावा और भी कई एनिमल्स होते हैं उनसे, जैसे कि गोट हो गया, अल्पाका हो गया, इवन कैमल से भी जो है वूल मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अभी जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं यानी कि वूल देने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी पर ये जो हेयर है उगते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। अब इनकी बॉडी पे इतना मोटा जो लेयर होता है हेयर्स का, ये क्यों होता है। हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। अभी एयर की अगर सिक्स क्लास में हमने बात करी थी, एयर है वो जो ट्रैप हो जाती है बालों के अंदर, हमारे बाल है एयर को ट्रैप करके रखते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या करती है, हीट को निकलने नहीं देती, ना एंटर करने देती है ना निकलने देती है, पुअर कंडक्टर होती है, उसमें हीट है वो पास नहीं हो सकती एयर के थ्रू। एज़ यू वुड लर्न इन चैप्टर फोर, चैप्टर फोर आएगा क्लास सेवन्थ में, उसमें हम देखेंगे एयर की प्रॉपर्टीज़, उसमें देखेंगे कि एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट की, गर्मी है ना तो इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। सो हेयर कीप्स द एनिमल वार्म। तो उनके अंदर जो एयर है, बालों के अंदर जो फंसी हुई एयर है, वो क्या करती है, उस एनिमल को वार्म रखती है, सर्दियों में उसको गर्म रखती है। वूल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो वूल है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से ली जाती है, निकाली जाती है। नाउ वी हैव अ एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स ऑन दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। अब अपने हाथों पे जो हैंड्स पे जो हेयर है उन पे, बॉडी पे जो हेयर्स हैं, आर्म पे जो हेयर है, या फिर अपने जो सर पे हेयर है उनको टच करके देखना, दोनों तरह के हेयर्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। विच वन सीम कोरस एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। कौन से आपको सॉफ्ट फील होते हैं, कौन से आपको थोड़े से कोरस यानी खुरदरे फील होते हैं।
लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट फ्लीसेस। अब जैसे हमारी बॉडी पे दो तरह के हेयर हैं, हमारे सर वाले बाल थोड़े से हमको खुरदरे मिलेंगे और बॉडी वाले जो है एकदम सॉफ्ट मिलेंगे, वैसे ही जो शीप है उसकी बॉडी है उसकी भी हेयर दो टाइप के हेयर होते हैं, उसकी बॉडी पे भी टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं जिनसे जो कि इनके फ्लीस को बनाते हैं, इसकी जो बालों वाला जो लेयर है उसको बनाते हैं। द कॉरस ब्रीड हेयर, उसके जो कॉरस है जो खुरदरे से जो ब्रीड हेयर होते हैं वो, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और उसके जो अंदर की तरफ के जो बाल है जो स्किन के पास होते हैं वो बहुत सॉफ्ट वाले हेयर वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब जो फाइन हेयर है जो अंदर के स्किन के पास वाले जो हेयर है उनसे वूल ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है, जो स्किन के पास वाला होता है उससे ज़्यादा अच्छा वूल बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स। अब कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनके ये हार्ड वाले हेयर नहीं होते हैं, सिर्फ सॉफ्ट वाले हेयर होते हैं, जो सॉफ्ट वाले एकदम पतले पतले अंडर हेयर होते हैं वही होते हैं। दे पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब ये है स्पेशली जो है चूज़ करके पैदा करवाई जाती है, इनके पेरेंट्स हैं जिनके जिन ब्रीड्स की शीप के फाइन हेयर होते हैं उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज़ करके और फिर उनको ना बर्थ दिया जाता है ताकि ऐसे अच्छे बालों वाली शीप है वो पैदा हो और जिनके अच्छे बाल आएँ। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ऐसी जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर पेरेंट्स को कुछ स्पेशल पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ताकि उनके कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं, उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चे में आ जाए, उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाए। जैसे कि अब कुछ कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि जो सॉफ्ट हेयर है शीप के अंदर वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो कुछ ऐसे पेरेंट्स को चुना जाएगा जिनके है थोड़े बहुत हेयर है वो अच्छे हों फाइन हों, दोनों के फाइन होंगे तो दोनों से होने वाला बच्चा है उसके और भी अच्छे फाइन हेयर होंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग, चयनात्मक प्रजनन, ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्ट करके इनके पेरेंट्स को सेलेक्ट करके फिर इनके ब्रीड कराई जाती है, इसलिए प्रोसेस हो गई सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। नाउ वी हैव एनिमल्स दैट यील्ड फूड वूल। ऐसे एनिमल्स जो वूल देते हैं उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में बहुत अलग अलग तरह की जो ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स मतलब जातियाँ, मतलब अलग अलग तरह की शीप्स, ठीक है, कोई कैसी दिखती है कोई कैसे दिखती है, वो अलग अलग तरह की हमको हमारे पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में जो ऐसी शीप्स मिल जाएंगी बहुत सारी अलग अलग टाइप की। However, the fleeces of sheep is not the only source of wool. लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ शीप से आप वूल ले सकते हो, सिर्फ शीप के हेयर्स के अलावा भी और भी ऑप्शन होते हैं जिनसे आप वूल बना सकते हो, उनके बालों से वूल बना सकते हो। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इन शीप वूल। हमारे जो मार्केट में है, मार्केट के अंदर जो वूल मिलती है वो कॉमनली शीप वूल के नाम से मिलती है। याक वूल इज कॉमन इन तिबैत एंड लद्दाख। हमारे यहाँ तो शीप वूल मिलती है लेकिन तिबैत और लद्दाख जैसे एरिया है ना वहाँ पे कौन सी वूल फेमस है, याक वूल, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा मिलती है। हमारे यहाँ शीप रेयरिंग की जाती है ज़्यादा इसलिए हमारे यहाँ पे शीप वूल मिलती है, जबकि अगर हम तिबैत और लद्दाख जाएंगे, तिब्बत एंड लद्दाख, वहाँ पे आपको याक वूल ज़्यादा देखने को मिलेगी। मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। ऐसी ही एक वूल है जिसका नाम है मोहेयर, मोहेयर है वो अंगोरा गोट के वालों से ली जाती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ये अंगोरा गोट मिलती है, उससे मिलने वाली वूल है उसको बोलते हैं मोहेर। शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। यहाँ पे एक शीप की पिक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे बालों की एक लेयर आ रखी है। सर्दियों में ये बाल नहीं काटे जाएंगे लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो वो बाल क्या करेंगे, उस शीप को गर्मी करने लग जाएंगे, जिससे उनके बालों को निकाल के शीप का भी हेल्प हो जाती है और ह्यूमंस की भी हेल्प हो जाती है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। उसके अलावा शीप के अलावा वूल है गोट हेयर से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। अब कश्मीरी गोट जो होती हैं उनकी अंडर फर है, अंदर जो स्किन के पास वाले फर है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन इन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनसे बुनने वाली एक शॉल होती है जिसका नाम होता है पश्मीना शॉल, वो बहुत सॉफ्ट आती है, इवन बहुत महंगी भी आती है पश्मीना शॉल और बहुत फेमस है। The fur hair on the body of the camels is also used as wool. अब कैमल के जो बॉडी हेयर होते हैं, को कैमल की बॉडी पे जो हेयर रहते हैं वो भी वूल के जैसे यूज़ करे जाते हैं, वूल बनाने में यूज़ किए जाते हैं। लामा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लामा,
कैमल कैटेगरी में आते हैं लामा एंड एल्पका, ये मिलते हैं साउथ अमेरिका में और इनसे भी वूल है वो यील्ड की जाती है, प्राप्त की जाती है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज एज वुक वुल। जो हमने अभी नेम लिए हैं लामा, एल्पका, गॉट, याक और जो है इन सब की पिक्चर आपको कलेक्ट करनी है कि इन सब से क्या मिल रही है हमको, वूल मिल रही है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, अपने स्क्रैप बुक में इनको चिपकाना है, उनके नेम लिखने हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वन गिवन इन द बुक, अगर आपको जो है इनकी पिक्चर नहीं मिले तो आपकी बुक के अंदर पिक्चर है वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, इवन फोटो कॉपी भी करा सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी है जो अभी आपको नहीं करनी है, कभी हम करेंगे तो आई विल गिव यू द वर्क। ओके, फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन योर इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। सो हम देखते हैं शीप, गॉट, कैमल, इनके हमारी जो लोकल लैंग्वेज में कई बार अलग नाम होते हैं और कई कंट्रीज़ के में अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शीप भेड़, ठीक है, गॉट बकरी, कैमल ऊँट, याक को नॉर्मली याक ही बोला जाता है। अब ज़रूरी नहीं है इंडिया के हर पार्ट में हर लैंग्वेज में इनको सेम नाम से जाना जाए, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम आपको फाइंड आउट करके उनके उस स्क्रैप बुक के साथ में पिक्चर के साथ आपको लिखने हैं। ये एक्टिविटी 3.2 है जो हम कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 3.3, देखते हैं एक्टिविटी 3.3 में क्या है। प्रोक्योर ऑनलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, आपको एक आउटलाइन मैप है इंडिया का और वर्ल्ड का, वो एक्वायर करना है, लेना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। अब इसके अंदर वो प्लेस उस मैप में मार्क करने हैं जहाँ पे ये एनिमल है जो वूल प्रोवाइड कराएंगे वो आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको अलग अलग रीजन्स में मिल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह के अंदर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी आपको ये मिल जाएंगे, तो आपको मैप के अंदर मार्क करना है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब अलग अलग जो कलर से आपको डिनोट करना है अलग अलग लोकेशन को जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान में कैमल मिल जाएगा, उसके अलावा राजस्थान में शीप भी मिल जाएगी, तो आपको अलग अलग कलर से करना है। जम्मू एंड कश्मीर में अलग करना, लद्दाख में आपको याक मिलेगा तो उसको अलग कलर में करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी 3.3 हो गई। सो यहाँ पे एक याक की पिक्चर है, अंगोरा गॉट की पिक्चर है, गोट की पिक्चर है, लामा की पिक्चर है एंड कैमल एंड एल्पका के पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, वूल से फाइबर्स जो है कैसे बनेंगे, वूल के फाइबर्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।